मोह भंग होने का कारण यही है कि कांग्रेस में जो जनाधार वाले नेता हैं, या जनाधार के व्यक्ति गिन लो या जनाधार वाला जनप्रतिनिधि गिन लो, उसकी कोई कदर नहीं है वहाँ। कांग्रेस में अब ऐसे नेता रह गए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं सबसे सीनियर कांग्रेसी हूँ नागौर में, आज तक मेरे को संगठन में कोई जिम्मेवारी नहीं दी, किसी प्रकार का मेरे को काम नहीं दिया, और जब आया चुनाव लड़ने का मौका तो इन्होंने देखा ये चार बार का MLA, इसको कुछ जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, मंत्री बनाना पड़ेगा, तो मेरा टिकट काट दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरे बेटे को टिकट दे दिया। पर हम अब इनसे इतने दुखी हो गए कि एक आपने संकरिया कनपट्टी मार का नाम सुना होगा, सुना, वो आदमी के यहाँ चोट करता था, और वो गिनती करवाने के लिए चोट नहीं करता था, वो सिर्फ इसलिए चोट करता था कि वो आदमी को जब मरते हुए देखता तो वो तड़पता था, नहीं तो उसकी तड़पन देखने के लिए तो कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं की, अपने छोटे जो लोग इनके साथ काम करते हैं उनकी तड़पन देखने के लिए बच्चे हैं, यही काम कर रहे हैं। कौन कौन नेता आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? हमारे साथ तो हम लालचंद जी कटारिया साहब हैं, राजेंद्र जी यादव हैं, और रामपाल जी शर्मा है, अलोक जी बेनीवाल है। अब आप सोचोगे अलोक बेनीवाल, सुरेश जी चौधरी जैसे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं जिन्होंने, कमला जी ने जिंदगी भर कांग्रेस की सेवा करी है, और वो उनके लड़के हैं। हमारे नाथूराम जी साहब, रामनिवास जी, रामनिवास जी का मैं नाम नहीं लेता, चलो वो जिंदगी भर इस कांग्रेस को, हमारे समाज ने सिंचा क्या दिया साहब इस कांग्रेस ने जाटों को, बता दे मेरे को। हम 98 में सोनिया जी के पास गए थे, उस समय मैं निर्दलीय MLA था, वो भी मेरी जनता ने कहा आप कांग्रेस के साथ जाके पूछो, तो उन्होंने कहा भाई जाट CM नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बने साहब CM, ना इधर बने ना उधर बने, कोई बात नहीं, पर आदमी अपने मान सम्मान के लिए कभी सौदेबाजी नहीं करता। हमने ईमानदारी से इस पार्टी को सिंचा है 50 साल तक, और ये हमारे को इनाम मिला है। पर शाम जी मदेणा के साथ क्या हुआ, महिपाल मदेणा के साथ क्या हुआ, कर्नल सोनाराम के साथ क्या हुआ, नटवर सिंह जी के साथ क्या हुआ, जोधपुर से राजन चौधरी उनके साथ क्या हुआ, ये तो हम शिकंजे में नहीं आए, नहीं तो हमारा ही पानी निकाल देते कहीं। इसलिए हमारा मोह भंग हो गया, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसमें काम करें।